हाय एवरीवन दिस इज़ वॉनिका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का ऑयल पाम पे है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो सकती है अब आप सोच रहे होंगे कि ऑयल पाम की वजह से प्लांटेशन्स की वजह से किस तरह से बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगी ये हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील ठीक है तो वी कैन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल ही मिलेगा अब देखिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है और एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है ऑयल पाम कल्टीवेशन की कि ऑयल पाम कल्टीवेशन के अंडर जो लैंड है वो इंक्रीज़ हुआ है जैसे 2015-16 का डेटा हमको दिखाता है कि थ्री लाख ,00 हेक्टेयर्स लैंड अंडर ऑयल पाम कल्टीवेशन था और 1920 में ये इंक्रीज़ होके 3.57 लाख ,00 हेक्टेयर्स हो गया है एडेबल ऑयल प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे वो भी इंक्रीज हुई है एट पॉइंट सिक्स थ्री मिलियन टन्स थी फिफ्टीन सिक्सटीन के डेटा के हिसाब से अब वो एट पॉइंट सिक्स थ्री मिलियन से टेन पॉइंट फाइव थ्री मिलियन टन्स हो गई है टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में तो ये आ गया आपका डेटा ऑयल पाम कल्टिवेशन और एडिबल ऑयल प्रोडक्शन का तो यहाँ पे ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि बायोडावर्सिटी की बात इससे रिलेटेड क्यों हो रही है अब सेंटर ने डिसाइड किया है कि हम इंक्रीज़ करेंगे ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कल्टिवेशन जो है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा और साथ में ऑयल पाम को भी ऑयल पाम कल्टिवेशन को भी इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि हमारा जो एडिबल ऑयल है उसका जो प्रोडक्शन है कंट्री में वो इंक्रीज़ हो पाए और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा फार्मिंग कम्युनिटी को इंटेंशन बहुत अच्छा है कि यहाँ पे फार्मर्स का इनकम बढ़ाने की कोशिश हम वैसे भी अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करते रहते हैं तो इस बार ऑयल पाम कल्टीवेशन से ट्राई करने की बात की जा रही है और देश का एडिबल ऑयल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा राइट सो द थिंग इज़ वेरी गुड यहाँ पे जो इंटेंशन है आपको दिखेगा कि बहुत अच्छी हैं गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से रिलेटेड है इसके बारे में लास्ट में मैं आपको बताऊँगी लेकिन अलग से भी वीडियो इस पर स्टीआई पर अवेलेबल है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टेटिक टॉपिक है काइंड ऑफ मतलब इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ आपको ये अच्छे से समझ होनी चाहिए एग्जाम से पहले तो ये ऑयल पाम कल्टीवेशन आपका इसी के अंदर कवर होता है लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी बातें की कि रिजल्ट्स भी डिस्कस किए कि अगर हम ऐसा करेंगे एडिबल ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर है अगर हम इसका लैंड इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं आपके इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ uh, वरी यहाँ पे दिखाई है कंसर्न दिखाया है कंसर्न आ रहा है गवर्नमेंट के इस प्लान से जब गवर्नमेंट एक्सपैंड करना चाह रही है ऑयल पाम फॉरेस्ट्री को और जो पॉलिसी है अपकमिंग पॉलिसी जो आने वाली है उसको इजी करने वाली है इसका क्या मतलब है कि जो भी लोग ऑयल पाम कल्टीवेशन करना चाहते हैं लैंड को अपने कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑयल कल्टीवेशन के लिए ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए उसके लिए पॉलिसी के रूल्स यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा ईजी किया जाएगा और जो ऑफिशल्स हैं उनका मानना है कि एरिया अगर हमारा ऑयल पाम कल्टिवेशन के अंदर इंक्रीज होगा तो हमारा फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए कितने बेनिफिट्स आपको दिखा रही है कि हम फॉरेस्ट इस चीज से फार्मर्स का इनकम इंक्रीज करेंगे नंबर वन नंबर टू आपका क्या होगा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा नंबर थ्री बेनिफिट क्या होगा कि हमारे देश का जो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन है अभी हम बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फिर भी हमको बाहर देशों से अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इम्पोर्ट भी करना पड़ता है तो हम कोशिश किस चीज़ में कि हमारे ऑयल सीड्स और हो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा तो गवर्नमेंट के ये मेजर तीन फैक्टर्स हैं और इसके बाद फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ होगा तो इससे फोर्थ क्या होगा कि जो हमारी गाइडलाइंस जो अग्रीमेंट हमने साइन किया है पेरिस अग्रमेंट उसका जो हमारा एजेंडा है कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट की तरफ मूव करेंगे ओके okay, तो ये चार चीज़ें गवर्नमेंट फोकस कर रही है इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम कंसर्न्स भी डिस्कस करेंगे कि इन चार चीज़ों के बेनिफिट्स के होते होते प्रॉब्लम जो कंसर्न्स इन्वायरमेंटल का है वो कहाँ है अब देखिए फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने की बात की गई है तो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या डेफिनेशन देता है फॉरेस्ट की जो भी लैंड जहाँ पे पेड़ हों मोर देन वन हेक्टेयर एक हेक्टेर से ज़्यादा जहाँ पे पेड़ हैं जिस एरिया में ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन टेन परसेंट है डिपेंड नहीं करता कि उसका ओनर क्या है ओनर कौन है उसका लीगल स्टेटस क्या है लैंड का और स्पीशीज में वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं उनमें ट्रीज हैं और इन ट्रीज़ में ऑर्किड्स पाम्स ये सब आपके आते हैं तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे फॉरेस्ट कहेंगे फिर से बता दूँ एक हेक्टेर से ज़्यादा लैंड जहाँ पे पेड़ लगे हों स्पीशीज कोई भी हो सकती है जो प्लांट्स के ट्रीज के अंदर आती हो जैसे कॉम्पोजिशन हो गई और kids palms हो गए डेंसिटी उसकी दस परसेंट या उससे ज्यादा होनी चाहिए लेकिन उसका ओनरशिप क्या है लीगल स्टेटस क्या है लैंड का ये सब मैटर नहीं करता ओके okay. अब फॉरेस्ट पॉलिसी फाइनली हमारी फाइनलाइज हो गई है अब यहाँ पे उन ट्रीज़ को भी फोकस किया जा रहा है जो आउटसाइड फॉरेस्ट फौ, हैं बिकॉज़ हम यहाँ पे क्या अचीव करना चाहते हैं नेशनली डिटर्मेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो फिफ्थ है हमारा यहाँ पे पहले चार बेनिफिट्स बताए अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया हो रहा है आपका एन डी सी नेशनल डिटर्मेंट कॉन्ट्रीब्यूशन खैर फोर्थ पॉइंट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये हमने 2016 का जो पेरिस अग्रीमेंट है उसके अंदर हमने डिसाइड किए हैं कुछ हमारे लिए गोल्स और ये विदिन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ आते हैं क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना चाहते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें तो हम अपने गोल्स के पास पहुंचेंगे अब देखिए ऑयल पाम प्लांटेशन तो हो गई एक बात दूसरी चीज़ है एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट एग्रोफॉरेस्ट्री यानी एग्रीकल्चर भी हो फार्मर्स को भी फायदा हो और आपके फॉरेस्ट को भी फायदा हो इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं तो ऑयल प्लान पाम प्लांटेशन काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जैसा ही है क्योंकि एग्रीकल्चर एज इन फॉरेस्ट को फार्मर्स को भी यहाँ पे फ़ायदा होगा और फॉरेस्ट कवर भी आपका इंक्रीज होगा अब न्यू पॉलिसी के साथ यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट हो गए एवेन्यू प्लांटेशन हो गई ऑयल पाम प्लांटेशन हो गई कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गए इन सबको प्रमोट किया जाएगा अब कंसर्न शुरू होते हैं हमारे यहाँ से मोनोकल्चर मोनोकल्चर क्या है जब हम लैंड पे एक ही तरह का क्रॉप बार बार ग्रो करेंगे लगाएंगे उससे क्या नुकसान होगा एक लैंड है तभी कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन करना चाहिए क्यों कहा जाता है क्योंकि अगर आप एक ही तरह का क्रॉप हर साल लगाएंगे तो आपका सॉइल है लैंड है जहां पे लगा रहे वहां पे न्यूट्रिएंट्स है एक तरह का प्लांट होगा उसको सेम तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी तो वो न्यूट्रिएंट्स आपके लैंड से धीरे धीरे डिप्लीट होने लग जाएंगे क्योंकि लैंड खुद को रिप्लेनिश करता है सॉइल खुद को रिप्लेनिश करता है लेकिन अगर हम उसको रिप्लेनिश करने का टाइम नहीं देंगे फिर से रिन्यू होने का टाइम नहीं देंगे और सेम सेम प्लांटेशंस लगाते जाएंगे तो उस लैंड का क्वालिटी जो है वो कम होता जाएगा न्यूट्रिएंट्स कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स वहाँ से कम होते जाएंगे इसलिए कहा जाता है क्रॉप रोटेट कीजिए कि सपोज एक बार दो सेट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के अगर एक प्लांटेशन सेट वन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रही है तो दूसरे सीजन में आप दूसरा लगाइए ताकि सेट वन ऑफ न्यूट्रिएंट्स खुद को रिप्लेनिश कर पाए अब ये कल एक कंसर्न आ गया क्या मोनोकल्चर ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्या प्रॉब्लम हो गई दूसरा कि ऑयल पाम जो है ये एक्सट्रीमली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है कि बहुत ज़्यादा पानी ये लेता है और इससे ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं हम लोग हमारे देश में वाटर स्ट्रेस स्टेट्स हैं पानी की ऑलरेडी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो अब इस तरह का क्रॉप लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करेगा तो दिस विल इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर एंड द ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी फॉर अदर पीपल नॉर्थ ईस्ट में बायोडावर्सिटी रिच एरिया है और लार्जली बहुत इंटैक्ट है अगर आप पाम ऑयल कल्टीवेशन वहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो बाकी के फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे अब बायोड ये तीन पॉइंट्स याद रखिए कंसर्न में पहले हमने मैंने आपको बताया चार पाँच पॉइंट्स जो कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ये क्यों कर रहे हैं अब उसके कंप्रैरी हम बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे फर्क पड़ेगा ये तीन पॉइंट्स नेक्स्ट ये प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी को कैसे और भी ज्यादा इंपैक्ट करेगा अब जो फार्मर्स यहाँ पे बोला गया है कि कल्टीवेशन ऑयल ऑफ ऑयल उन एरियाज में होगा जो फार्म फार्मर्स किसान ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ऑलरेडी वहां पे वो कोई और क्रॉप यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल और अब वो उसको कन्वर्ट कर देंगे पाम क्रॉप्स में तो इससे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का इशू भी आपके एक टाइम पे आ सकता है पहले जो फार्मर मेज़ लगा रहा था वीट लगा रहा था लेकिन उसको लगा यहाँ पे तो ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे मुझे तो ऑयल पाम कल्टीवेशन में मिल रहे तो मुझे इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए तो इन्वायरमेंटलिस्ट इसलिए भी यहाँ पे स्केप्टिकल है और दूसरी चीज़ वाइल्ड लाइफ पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा वाइल्ड लाइफ पे क्यों क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी जैसे नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट हैं बहुत अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं बहुत बायोडावर्सिटी है वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे, जब फॉरेस्ट क्लियर किए जाएंगे ऑयल पाम कल्टिवेशन uh, के लिए तो वाइल्ड लाइफ पे उसका क्या असर पड़ेगा वो एनिमल्स जिनका वो हैबिटेट है वो कहाँ जाएंगे ये चीज़ मैंने आपको बताई कि फिफ्टी वन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो ये कल्टिवेशन उन फॉरेस्ट के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है और यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमको मलेशियन साइंटिस्ट्स को सुनना चाहिए 2020 की स्टडी मलेशियन साइंटिस्ट के द्वारा बताती है कि वहाँ पे मलेशिया में बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं उनको कन्वर्ट किया गया ऑयल पाम प्लांटेशंस के लिए इसकी वजह से हायर कार्बन एमिशंस हुई तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिए कि अगर ऑयल पाम कल्टीवेशन ज्यादा होगा तो 2020 की स्टडी बाय मलेशियन साइंटिस्ट हमको बताती है कार्बन एमिशन ज्यादा होंगी तो बताइए वहां पे हम पेरिस अग्रीमेंट में बात कर रहे हैं क्लाइमेट को बचाना है कार्बन एमिशंस कम करनी है ग्रीन हाउसेज गैसेस कम करनी है तो पाम से ये तो इंक्रीज हो रही है तो क्या फायदा हुआ आप फॉरेस्ट कवर तो दिखा रहे हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर देखिए इतना इंक्रीज हो गया बट वॉट अबाउट द कार्बन फुटप्रिंट अब देखिए 1990 से 2005 में नोट किया कि ऑयल पाम एक्सपेंशन जो है 50 टू 60 परसेंट हुआ है लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंसेस उसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट आपने क्लियर किए उसके बाद नेक्स्ट ये है कि फार्मर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज भी इफेक्ट होंगी विनीता गाउडा हैं ये एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक्सटेंसिवली स्टडी किया है उन्होंने भी वॉम वॉन किया है कि हम यहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया से सीख सकते हैं इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर वॉन किया गया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अराउंड एटी टू नाइन्टी वर्ल्ड का पाम ऑयल जनरेट करती हैं प्रोड्यूस करती हैं उन प्लांटेशन से जो कभी फॉरेस्ट थे आज वो फॉरेस्ट नहीं है उनको क्लियर कर दिया तभी वो इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर पा रही हैं बट कंजर्वेशनिस्ट यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया फिर इसको पाम ऑयल कल्टिवेशन को 2015 में उसको भी एक्सटेंड करने की बात की जा रही है अब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम यहाँ पे ये अलग से भी है रिसेंटली अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ इलेवन थाउजेंड करोड़ ओवर अ फाइव ईयर पीरियड तो यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा फंड इसको दिया जा रहा है ऑयल पाम कल्टिवेशन एडिबल ऑयल ऑइल पाम कल्टिवेशन के लिए लेकिन इसका डिजास्ट्रस इम्पैक्ट होगा बाकी के इन्वामेंट पे बायोडाइवर्सिटी पे देखिए ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और एडिशनल 6.5 लाख हेक्टेयर जो पाम ऑयल के लिए है यहाँ पे लैंड की बात की जा रही है 25-26 तक और इट इन्वॉल्व रेजिंग द एरिया अंडर ऑयल पाम कल्टीवेशन कि हम रेज़ करेंगे एरिया जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि ऑयल पाम कल्टीवेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा लैंड यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाएगा अब इसके लिए ऑयल पाम फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी फाइनेंशियली उनकी मदद की जाएगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइप मैकेनिज्म जो है गवर्नमेंट वो भी उनके लिए फिक्स करेगी तो डेफिनेटली बहुत सारे फार्मर्स इस कल्टिवेशन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इवेंचुअली ये फिफ्टीन पॉइंट थ्री परसेंट इंक्रीज होगा ये टारगेट्स यहाँ पर लेके चल रहे हैं अब ये बीच में आपको मिल जाएगा जो भी मैंने पढ़ाया है शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में नेक्स्ट हम चलते हैं एडिबल ऑयल इकोनॉमी पे देखिए एडिबल ऑयल इकोनॉमी के दो मेजर फीचर्स हैं और ये इंक्रीज हुए हैं इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स 1986 में जो आया इसको कन्वर्ट किया गया नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम 2014 में फिर आगे इसको हमने मर्ज कर दिया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में तो इसकी वजह से जो ऑयल एडेबल ऑयल इकोनमी है वो हमारी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है और शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ मैं बता रही हूँ मर्ज किया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक सेंट्रल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी पाँच साल के लिए ताकि प्रोडक्शन जो है व्हीट राइस पल्सेस का इंक्रीज हो सके सस्टेनेबल बेसिस पे ताकि पूरे देश में कभी खाने की कमी ना हो फूड सिक्योरिटी रहे अब यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी बात की गई थी कि सॉइल फर्टिलिटी को भी इंटैक्ट रखा जाएगा रिस्टोर किया जाएगा प्रोडक्टिविटी फार्म लेवल पे इंक्रीज़ की जाएगी क्योंकि इन सब चीज़ों से जो लेवल है हमारी इकोनॉमी का फार्म इकोनॉमी का वो इंक्रीज़ होगा और आगे वेजिटेबल ऑयल्स को भी यहाँ पे टारगेट किया गया था कि हम खुद सेल्फ़ सफिशेंट होंगे ताकि हमको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े या फिर हम रिड्यूस कर सकें जितना ऑयल एडिबल ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं हम उसको रिड्यूस कर सकें पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कोविड नाइनटीन एंड फूड सिक्योरिटी आप इसको चेक कर सकते हैं अब आपके लिए सवाल है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल मिशन मिशन ऑन एडिबल ऑयल स्टेटमेंट दिस हैज स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर इलेवन थाउजेंड करोड़ ओवर अ फाइव ईयर पीरियड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों चीजें हमने पढ़ी आप बता सकते हैं बहुत ईजिली कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप टेलीग्राम पर पोल होगा इसका आप उस पर पार्टिसिपेट करके आंसर देख सकते हैं कि राइट आंसर क्या है बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेस हमारे ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप ये जान सकते हैं थैंक यू सो मच